तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अडानी पोर्ट्स के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस का वीकली क्लोजिंग था 1478 के पास। और दोस्तों, इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई रहता है, और उसी हिसाब से दोस्तों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ इसमें ट्रेड प्लान करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस का वीकली क्लोजिंग था 1478 के पास, और उसी हिसाब से दोस्तों 1478 के ऊपर 1500 प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों 1500 के ऊपर 1557 से 1600 का जो रेंज है, ये प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। और दोस्तों डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 1450 प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों 1450 के नीचे 1400 और दोस्तों 1400 के नीचे 1360 प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 1450 के ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है लोअर लेवल पे 1360 के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों 1500 के ऊपर 1557 बनने वाला है प्राइस के लिए फर्स्ट टारगेट, 1557 के ऊपर 1600 बनने वाला है प्राइस के लिए सेकेंड टारगेट। दोस्तों आने वाले समय में अगर प्राइस 1600 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है, जो है हम लोग हायर लेवल पे 1700 से 1800 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज के एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।